आप लोग? अच्छे ही होंगे। बस मेरा तो बढ़िया ही चल रहा है। अभी फिलहाल तो मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी को एक्चुअली कोलकाता ड्रॉप करने गया था, तो उसके कारण अभी ये सब सरंजाम लगा के ये सब खाना पीना खा रहा हूँ। इडली सांभर डोसा ये हो जाता है, सुबह का मिल जाता है। और इसके साथ ही आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं थोड़ा सोच रहा था कि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लूँ, क्योंकि खाते खाते मैं क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा ले लूँ तो अच्छा होगा, ठीक है ना। इसमें लिखते हैं कि भाई DSLR क्यों नहीं लेते हो? DSLR ले लो भाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले YouTube के अंदर अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करने के बाद प्रॉपर एक व्यू और प्रॉपर एक सब्सक्राइब मेरे पास इकट्ठा होने के बाद, उसके बाद मैं कैमरा लूंगा। DSLR लेने ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए, एक DSLR चाहिए। लैपटॉप तो है ऑलमोस्ट मेरे पास है, लेकिन वो प्रोसेसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए। तो लैपटॉप लेना पड़ेगा, फिर DSLR लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके साथ रोड का माइक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि जनता पहले, फर्स्ट फर्स्ट जनता के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जाके जो भी कुछ, क्योंकि अगर वो चीज़ अच्छा नहीं मिला तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ DSLR थोड़ा सा ब्रेक लेके लेते भाई। ब्लॉग क्यों नहीं आते हैं, ठीक है ना भाई? आ जाएंगे ब्लॉग्स, ठीक है ना, आ जाएंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ जाएंगे। क्योंकि मम्मी फिलहाल अभी नहीं है, उसके कारण मुझे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और घर के अंदर कितना ब्लॉग करूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोच रहा हूँ, ठीक है ना, और कुछ प्लानिंग भी बनाए हैं, और करेंगे बहुत जल्दी ही, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और आप लोगों का द्वारा तो बहुत अच्छा अच्छा जगह घूमेंगे, और बहुत कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश करूँगा भाई। ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो भाई? ऐसे ही कर लेते हैं मैनेज, और क्या, आप लोगों का दुआ बस कर लेते हैं। एक तो दुकान का काम, दूसरा आप लोगों के साथ मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि अभी फ्री हूँ तो आप लोगों से कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, अभी अभी कर रहा हूँ 2-3 महीने से, ठीक है। अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आए हैं। 1400-1500 व्यू हो गए शायद हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइबर भी 122 मिल गए, जो कि 54 था अभी 122। बहुत बड़ा चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप लोग, मुझे पता है आप लोग फेमस करवाते हो, और आप लोग ही करवाओगे, ठीक है ना। इंडिया के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर बने, और उन लोगों का आप लोगों ने फेमस करवाया, वो तो उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं, आप लोग ही मुझे करवा दोगे फेमस, वो तो सब आप लोगों के ऊपर है, उसका कोई टेंशन नहीं भाई। राइड पे कब चल रहे हो? कैमरा लाए तो हो, वो राइड पे कब चल रहे हो उस कैमरे को लेके? भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो कैमरे का फुटेज एक्चुअली मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसके माइक के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो वो मोबाइल के साथ उसको कनेक्शन करके कुछ माइक का जुगाड़ हो रहा है, तो मैं उसको करूंगा। और करने के बाद, क्योंकि अगर मोटर मोटर ब्लॉग करते हैं तो ब्लॉग में भी मजा भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर वो माइक माइक के साथ सारी चीजें करूंगा मैं, कनेक्शन कनेक्शन करके फिर आप लोगों को बहुत ही जल्दी उसका फुटेज दिखाऊंगा। क्योंकि अभी क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा घर का काम, अभी भी खाना खाना बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि घर में और कोई है नहीं, ठीक है। तो खाना बनाना और जो मतलब ये सब घर का काम, और दो दो डॉगीज है मेरे पास, ठीक है ना, उनका देखभाल करना, ठीक है। तो उसके लिए बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो थोड़ा कैमरा आया है, उसका सब कुछ सेटिंग समझ में आ गया है, और उसका करते हैं कुछ, बहुत ही जल्दी करेंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग भाई? कहाँ घूमने जाने का प्लानिंग है भाई? बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। और एक प्लानिंग हो रही है, और एक आइटनरी बन भी चुकी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो हमारी बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। शशिकांत, मैं, राहुल और योगराज वगैरह वगैरह वो लोग कर रहे हैं प्लानिंग, प्लानिंग सो रही है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, वो बहुत ही बढ़िया जगह होने वाला है, ठीक है ना। इसका जो प्रॉपर फोकस है ना, वो ठीक से थोड़ा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे भी आएगा कर लेंगे अच्छा, ठीक है ना। और हम, मैं अभी बोल रहा था कि बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, जाने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है, बस देखते हैं। अभी मम्मी को आने दीजिए, फिर उसके बाद ही बता पाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आइटनरी एक्चुअली बन चुकी है, ठीक है, वो थोड़ा लंबा दूर, बहुत टाइम है अभी उसको जाते हुए, ठीक
ठीक है ना। लेकिन जो होगा वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है ना। और उसमें आपको जो हमारी एसडी कैम है उसकी फुटेजेस भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीजें हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये रहा कि ब्लॉग्स बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं। थोड़ा सा मम्मी को आ जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं कर पाऊंगा सारी चीजें, यूट्यूब को टाइम दे पाऊंगा, नहीं तो फिर दे नहीं पाऊंगा। और इसके साथ चलते हुए कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कुछ आप लोगों के पास सजेशन हो, ठीक है, तो वो सजेशन दीजिए, कैसे वीडियो क्वालिटी को बहुत अच्छा किया जाए, कैसे किया जाए। आप लोग को तो सब कुछ पता है, करिए कुछ हमारे लिए भी, ठीक है ना। तो करते हैं, कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे कमी है, थोड़ा बताइए, क्योंकि जनता हो आप, देख रहे हो सब कुछ, आप ही बताओ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मुझे बताइए और उसके अंदर मैं सुधारा करूँ। सुधारा करने के बाद फिर जो अच्छा अगर वीडियो बन सके मेरे से तो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और मोटो ब्लॉगिंग भी दिखाने वाला हूँ कुछ आए दिन में, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए रुकते हैं, फिर बाद में और थोड़ा देर बाद फिर से बात करता हूँ आप लोग। फिलहाल तो अभी रात के बज रहे हैं 3:48 और थोड़ा देर में ही 4 बज जाएगा। और अभी फ़िलहाल तो मैं बैठ करके एडिटिंग कर रहा था, ठीक है ना। और फिर इच्छा हो कि आप लोगों के साथ बातचीत करूं, फिर चलो कर लिया। अभी दोस्तों ये ध्यान रखना हमेशा कि आप जो चाहते हो उसके पीछे पड़ जाओ, हाँ सीधी सी बात है, ठीक है। और उसके पीछे पड़ जाओ, पूरा पागल हो जाओ उसके लिए, ठीक है ना। नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसके लिए। भले आपको लेट नाइट सोना पड़े, भले ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, भले ही आपको बहुत कुछ करना पड़े, ठीक है ना। और अभी एक्चुअली में मैं कुछ चीज़ें रखी हुई, मैं रिसर्च कर रहा था, ठीक है ना। और उसी कारण मैं अभी बच चुका है 4, ठीक है ना। तो पीछे मेरा बच्चा एकदम मस्ती का सोया हुआ है, ठीक है। तो अभी कुछ रिसर्च कर रहा था जिसके कारण मुझे नींद नहीं आया। एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, एकदम बहुत ही बढ़िया सा रिसर्च था जो कि मेरे बिजनेस के बारे में था, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं उसको देखा हूँ और उसका अप्लाइमेंट भी करूँगा, लेकिन आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा वो सारी चीज़ें। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, और उनको सारी चीज़ें देना मेरे लिए अच्छा होगा। वो दूंगा लेकिन अभी नहीं, फिलहाल नहीं। पहले तो बहुत ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए, और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाने दीजिए, और बहुत ज़्यादा व्यू आने दीजिए, उसके बाद ही मैं इसका इस चीज़ों का खुलासा करूँगा। और ये 100% ये रिसर्च बहुत लोगों के साथ काम में आने वाला है, और 100% बहुत सारी चीज़ें बदल के रख देगा। बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं वो अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है, वो बाद में, ठीक है। और अभी मैं अभी बोलता हूँ कि आप लोग जो चीज़ें चाहते हो उसके पीछे एकदम पड़ जाओ, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं मिलने वाला है। और 100% ध्यान रखना वही चीज़ों के पीछे पड़ना जो चीज़ें आपकी मकसद और आपको कामयाबी करता हो, ठीक है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, फालतू चीज़ों में ध्यान ना दे करके कुछ अच्छी चीज़ों में ध्यान दो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, उसमें ना ध्यान दे, ठीक है, अच्छी चीज़ों में हमेशा ध्यान दो, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आपके माँ बाप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग गर्व से खुल के बोल सकेंगे ये मेरा बेटा है, ठीक है ना, या ये मेरी बेटी है, ठीक है, ये बोल सकेंगे। और ये मैं चाहता हूँ, और ये आप लोगों को इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं भी खुद फिलहाल अभी 4 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए। क्यों? अगर भगवान ने रात दी है सोने के लिए, भाई उसमें से भी तुम्हारा एनर्जी उसमें नष्ट मत करो सोने में, ठीक है। और एक दिन ना एक दिन बस जानी है ना, एकदम मौत की नींद सोनी है, और डोंट वरी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कर्म भूमि है, इसमें कर्म करके उसके बाद सोना, ठीक है। और जब सोना तब हजारों लोग आपको सुलाने के लिए लेके जाते हो, तब मजा आएगा। और आज मैं आपको बोल देता हूँ, आज जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर ध्यान रखना स्पेशली, क्योंकि वो चीज़ आपको एकदम चैन की नींद सुला सकती है, एकदम बहुत अच्छी नींद सुला सकती है, और वाह वाह करते हुए रहेगी और प्रशंसा होती रहेगी। वो सोने के बाद आपके नाम नहीं बंद होगी, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें नहीं बंद होगी, आपके नाम ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, कुछ कर लो यार मेरे दोस्तों, कुछ कर लो स्पेशली खुद के लाइफ के अंदर, कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ कामयाब बन जाओ। और मैं आपको बोलता हूँ, गोल सेट करो, उसके पीछे भागना शुरू करो। जिस दिन पहुँच जाओगे उस दिन मुझे याद करोगे कि बोला था ये यूट्यूबर भाई ने, बोला था
और वही चीज़ के पीछे हम लोगों ने लक्ष्य लगा के पहुंच गए आज यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ 100% जो लक्ष्य बना कर कहा तो उसके पीछे दौड़ोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। ठीक है, कोई ना कोई दिन ऐसा भी आएगा जो कि आपका होगा, ठीक है, जो कि आपका ही होगा। और उससे बड़ा मैं आपको मेरा मेरा ही रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है ना, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और 100% रिजल्ट आते हैं, करिए, करने के बाद उसके अंदर ध्यान दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखोगे कि आप कभी हारे नहीं जिंदगी के अंदर। पहले करना तो शुरू करिए, कल का सवेरा आएगा। और हर रोज सूर्य भी है ना वादा करके जाता है कि भाई मैं कल आऊँगा, मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूँगा, ठीक है। तो आप क्यों छोड़ रहे हो, आप भी दौड़ो आपके मकसद के पीछे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। और मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जो चाहते हो ना वो हमेशा पूरी नहीं होती है, ठीक है, कभी कभार ही पूरी होती है। और जब पूरी होती है वो एकदम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ होती है, और वो चीज़ को देखने के लिए पूरा दुनिया खड़ा होता है, ठीक है ना, ना ही आप, ठीक है ना, आपके आपके तो बनावट पहला जो स्टार्ट होता है तब पागल बोलते हैं, ठीक है ना, और जब वो ख़त्म होता है लोग बोलते हैं नहीं यार ये इंसान तो बहुत ज़्यादा चालाक था, और वो इंसान को सैल्यूट भी करते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है, और डोंट वरी मेक मेरी रिपीट हरी, बाय बाय दोस्तों।